हेलो फ्रेंड्स, कुजूर इलेक्ट्रिकल्स में आज आपका फिर से प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग बेसिक बात करेंगे मैक्सी मोटर्स के फील्ड कोइल के बारे में कि आप कितने कितने नंबर वायर से फील्ड कोइल को रिवाइंड कर सकते हैं। देखिए, मेरे पास एक फील्ड कोइल है, इसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखिए मेरे पास ये जो फील्ड कोइल है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर निकाला गया है सिंगल स्पीड, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड जो फील्ड कोयल है उसमें निकाला गया है थ्री स्पीड। तो बात करेंगे कि सिंगल स्पीड और थ्री स्पीड, सिंगल स्पीड एक ही साइड क्यों निकाला जाता है और कोई कोई मैक्सी मोटर में थ्री स्पीड दोनों साइड क्यों निकाला जाता है, उसके बारे में भी आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आप कितने कितने नंबर वायर से कोई भी उषा ओरिएंट या जितने भी प्रकार के मैक्सी ग्राइंडर है, आप कितने कितने नंबर वायर से उसे रिवाइंड कर सकते हैं, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग 23 नंबर वायर से आप बहुत ही आसानी से कोई भी जो मैक्सी मोटर्स हैं उनके फील्ड कोइल को आप रिवाइंड कर सकते हैं। तो बात करते हैं आपको 23 नंबर वायर से आपको कितना टर्न्स देना है, किसमें, फील्ड कोइल में। ठीक है, पहला फील्ड कोइल जिसमें थ्री स्पीड नहीं निकाला गया है, देखिए इसमें आप देख सकते हैं इसमें कोई स्पीड नहीं है, डायरेक्ट वाइंडिंग की गई है, एक चला जाएगा कार्बन पे, एक चला जाएगा आपका ओवरलोड, किसमें, टीओपी में। ठीक है, बात करते हैं फील्ड कोइल के बारे में, तो इसमें आपको 23 नंबर वायर से कितना टर्न्स देना पड़ेगा, देखिए 23 नंबर वायर से आपको 280 टर्न्स देना पड़ेगा। 280 टर्न्स देने के बाद आपका जो एक फील्ड कोइल है सिंगल स्पीड का वो रिवाइंड हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्पीड के बारे में कि आपको निकालना है थ्री स्पीड, तो आपको 280 टर्न्स को ही डिवाइड करके आपको निकालना पड़ेगा थ्री स्पीड। ठीक है, 280 टर्न्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले वाइंडिंग करने के बाद 190 टर्न्स दे देना है। 190 टर्न्स यानी कि आप समझ लीजिए, देखिए ये वाइंडिंग है, कितना टर्न्स दे दिए इसमें, देखिए 190 टर्न्स, ये क्या हो गया आपका पहला स्पीड। उसके बाद आपको क्या करना है, 190 टर्न्स यदि आप दे दिए हैं इसमें सबसे पहले सिंगल स्पीड निकाले हैं, तो आपके पास कितना टर्न्स बचा है, देखिए 90 टर्न्स बच गया, 90 को आप 2 से डिवाइड दीजिएगा तो कितना बचेगा, 45। तो आपको क्या करना है, ये पहला स्पीड, उसके बाद आपका दूसरा स्पीड में कितना टर्न्स देना है 45, फिर तीसरा स्पीड में कितना टर्न्स देना है आपको 45। पहला स्पीड हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ठीक है, इसको टोटल काउंट कीजिएगा तो कितना निकल जाएगा, 280 टर्न्स। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप समझ चुके हैं। उसके बाद आप 23 नंबर वायर, ये जो 23 नंबर वायर है ये कॉपर वायर है कि अल्मोनियम वायर है, सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए 23 नंबर का जो वायर है ये अल्मोनियम वायर है। ठीक है, आप कॉपर वायर से भी रिवाइंड कर सकते हैं, यदि आप 23 नंबर कॉपर वायर से रिवाइंड करते हैं तो क्या होगा ना कि आपका कॉस्टली ज़्यादा चला जाएगा, इससे आपको कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है, इसीलिए आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे किसमें, अल्मोनियम वायर से। 23 नंबर वायर से आप जब भी रिवाइंड कीजिए तो अल्मोनियम वायर से रिवाइंड कीजिए, 100% ये सही वर्क करेगी, ये डाटा जो है ये 100% सही वर्क करेगी। 23 नंबर वायर हो गया, अब हम लोग बात करते हैं 24 नंबर वायर से आपको कितना टर्न्स देना है, कुछ नहीं करना है, बस 290 टर्न्स दे देना है, यहाँ पे आपको 190 टर्न्स, साथ ही इसमें यहाँ 50 टर्न्स, फिर यहाँ आप दे दीजिए 50 टर्न्स, कौन सा स्पीड हो गया, पहला, दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा स्पीड। ठीक है, 24 नंबर वायर कौन सा वायर है, ये अल्मोनियम भी आप डाल सकते हैं, कॉपर भी डाल सकते हैं। ठीक है, अल्मोनियम से भी वाइंडिंग कर सकते हैं, कॉपर से भी वाइंडिंग कर सकते हैं, ये भी आपका 100% सही वर्क करेगी। बात करते हैं अब हम लोग 25 नंबर वायर से कि 25 नंबर वायर से आपको कितना टर्न्स देना है, 320 टर्न्स, ये कौन सा वायर है, कॉपर वायर है। ठीक है, ये कौन सा वायर है, कॉपर वायर है, 25 नंबर वायर से आपको 320 टर्न्स देना है, साथ ही आपको यहाँ ध्यान देना है, यहाँ कितना देना है आपको, 280 टर्न्स। ठीक है, 280 टर्न्स देने के बाद यहाँ आपको दे देना है फिर 45 टर्न्स, फिर 45 टर्न्स, ये क्या हो जाएगा आपका थ्री स्पीड, कौन सा, पहला, दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा। 25 नंबर वायर से आप देख चुके हैं 320 टर्न्स, 280 टर्न्स, 45 टर्न्स, 45 टर्न्स। ठीक है, ये थ्री स्पीड हो गया, ये किस प्रकार का वाइंडिंग हो रहा है आप ध्यान दीजिएगा, सेम इस प्रकार से देखिए, इस साइड सिंगल स्पीड है, उसके बाद इस साइड थ्री स्पीड है, सिंगल स्पीड जो है उसका डाटा ये है, थ्री स्पीड का डाटा ये है, 23, 24, 25। अब क्या आप ध्यान दीजिए, 23, 24, 25 आप तीन ही वायर से रिवाइंड कर सकते हैं इसे, नहीं आप इसे आप 26 नंबर वायर से भी रिवाइंड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। 26 नंबर वायर से क्या करना है आपको, सेम डाटा डाल देना है, 320 टर्न्स, 280 टर्न्स, यहाँ आपको दे देना है 45 टर्न्स, यहाँ आपको दे देना है 50 टर्न्स। ठीक है, अब 26 नंबर वायर से 320 टर्न्स जिसमें थ्री स्पीड नहीं निकाला गया है, उसके बाद 280 टर्न्स पहला स्पीड हो जाएगा, उसके बाद दूसरा स्पीड, उसके बाद आपका क्या हो गया, तीसरा स्पीड। देखिए 23, 24, 25, 26,
आप चार वायर से बहुत ही आसानी से रिवाइंड कर सकते हैं कोई भी मिक्सी ग्राइंडर हो, लेकिन आपको ध्यान देना है। देखिए कोई भी फील्ड कोयल है, फील्ड कोयल को आप पहले स्केल से नाप लीजिएगा, ठीक है। इसका जो लेंथ है वो कितना है, इसका जो मोटाई है फील्ड कोयल का वो कितना है, देखिए इसमें 1.5 इंची है। तो आपको क्या करना है, 1 इंच से जितना भी एरिया चौड़ा होगा मैक्सी का फील्ड कोयल का, ठीक है, उसमें आप हर समय ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर आप 25 या 26 नंबर वायर से उसे रिवाइंड कीजिएगा। 25 या 26 नंबर वायर से क्यों रिवाइंड कीजिएगा, देखिए 25 और 26 नंबर वायर से रिवाइंड कीजिएगा तो आपका कॉस्टली कम लगेगा। उसी को आप 27 नंबर वायर से 280 टर्न्स और 190 या 45 टर्न्स दे के आप रिवाइंड कीजिएगा तो क्या होगा ना कि आपका कॉस्टली ज़्यादा लग जाएगा, उससे आपको बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो आपको क्या करना है, 25 नंबर वायर, 26 नंबर वायर या 24 नंबर वायर से रिवाइंड ज़्यादातर करना है। आपको 27 नंबर वायर जब भी रिवाइंड कीजिए तो क्या कीजिए, आप अल्मोनियम वायर से रिवाइंड कीजिए, 100% सही वर्क करेगी। तो बात करते हैं, एक मैक्सी मोटर मेरे पास है, देख सकते हैं ये 750 वाट की है। तो कोई कोई मोटर में आप ध्यान दीजिएगा कि उसमें बहुत ज़्यादा वायर लगे हुए रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप यही डाटा को यूज कर सकते हैं, आपके पास और भी कोई डाटा हो सकता है उससे भी आप रिवाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये एक ध्यान में रखने वाली बात है कि आप इतने भी वायर से रिवाइंड कर सकते हैं। यदि आप नए दुकानदार हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है। एक नोटबुक बना के आप इस डाटा को उतार के रख सकते हैं, आप कहीं भी इस डाटा को यूज़ कीजिए, 100% सही वर्क करेगी। यदि आपका जो मैक्सी मोटर है वो 100% सही वर्क नहीं कर रही है, कोई कमी है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।